बिहार के मुजफ्फरपुर जिला मना रहा अपनी स्थापना का 150वां वर्षगांठ। जिला प्रशासन ने इसको लेकर की विशेष रूप से तैयारी। बता दें, स्थानीय शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में इसको लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला के उद्योग विभाग और अन्य कार्य के लगे स्टॉल ने बढ़ाई शोभा, रंगीन बल्ब और रोशनी में नहाया जिला। मुजफ्फरपुर जिले में अपनी स्थापना की तारीख मिलने के बाद दूसरी बार जिला प्रशासन के स्तर पर मना रहा है स्थापना दिवस समारोह। जिला के खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के साथ जिले में चल रही उद्योग और अन्य कार्य के लगाए गए हुए स्टॉल ने लोगों का मन को मोह लिया। इस दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि जिले की स्थापना 1875 में हुई थी, लेकिन इसकी तारीख नहीं होने की वजह से यह नहीं मनाया जा सका था। लेकिन वर्ष 2022 के दिसंबर में बंगाल की एक अखबार में जानकारी के बाद 1 जनवरी से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाने की घोषणा किया गया था और वर्ष 2023 में पहली बार मनाया गया। इसके साथ ही जिले के कई उद्योग को बतौर प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है, जिसमें जीविका, जिला उद्योग विभाग, ICDS, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अन्य सामग्री का भी काउंटर लगाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दिए जाने के भी काउंटर लगाया गया है। जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि बीते साल से इस परंपरा को शुरू कर दिया गया था और इसके बाद से यह हर वर्ष मनाया जा रहा है। इस बार दूसरा स्थापना कार्यक्रम वर्ष मनाया जा रहा है। ज़िले में अपनी स्थापना का 150वां वर्ष पूरा कर लिया है और यह ज़िले के लिए गर्व की बात है। ज़िले में स्मार्ट सिटी सहित कई अहम विकास के कार्य चल रहे हैं और अब जल्द ही ज़िले के रिंग रोड सहित कई अनेक कार्य से लोगों को बदला हुआ ज़िला नज़र आएगा। है 150वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और आयोजन के रूप में यदि हम लोग बात करें तो द्वितीय आयोजन यह है। पिछली बार से हम लोगों ने इस आयोजन की परंपरा की शुरुआत की थी तो काफ़ी हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग मुजफ्फरपुर जिले का स्थापना दिवस मना रहे हैं और जिले वासियों को इससे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि जिले की का गठन कब हुआ और उसके आलोक में आज कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस संध्या को आयोजित किए गए हैं और जिसका लुत्फ सभी शहरवासी आज उठाएंगे। इस अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। सर, नए तरीके से इस बार स्थापना दिवस में क्या कुछ सोचा गया है विकास को लेकर? और देखिए, मुजफ्फरपुर लगातार नित निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और इस विकासात्मक गतिविधियों में जैसा आप देख पा रहे होंगे कि डेफिनेटली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ काम हो रहा है और एकदम लगभग फाइनलिटी के स्टेज में है। तो आने वाले दिनों में एक नए शहर के रूप में स्वरूप दिखाई देगा। दूसरी ओर आने वाले इस वर्ष में 2-3 नई चीज़ें जो शुरू होने जा रही हैं, एक तो बाईपास पूरी तरीके से चालू हो जाएगा, तीसरी बात कि जो दादर पुल से लेकर के करीब 10 किलोमीटर रोड के पुनर्निर्माण की योजना स्वीकृत हुई है, वो रोड जब निर्मित होगा तो काफ़ी शहरवासियों को